हेलो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा है अभी पाइप एंड सिस्टम और आज हम इसका तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। पहले और दूसरे लेक्चर में हमने इसका बेसिक्स और क्वेश्चन वगैरह करा दिए हैं। अब तीसरे लेक्चर में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं जिनमें थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिसके बारे में हम आपको समझाएंगे। जैसा कि आपका एग्जाम्पल नंबर वन लिखा हुआ है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 36 मिनट एंड 45 मिनट रेस्पेक्टिवली। ए वाटर पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट। यानी दो पाइप है आपके ए और बी, जो टैंक को कितने मिनट में भर रहे हैं, 36 मिनट में और 45 मिनट में। यानी ए कितने टाइम में भर रहा है, ए भर रहा है आपका 36 मिनट में, यानी 36 मिनट में ए जो है वो फिल कर रहा है टैंक को। बी कितने टाइम में फिल कर रहा है, बी फिल कर रहा है आपका 45 मिनट में, ठीक है। और जो सी है, सी क्या कर रहा है, देखिए ए वाटर पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट। सी आपका 30 मिनट में टैंक को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, यानी ये हो गया आपका आउटलेट और ये दोनों हो गए आपके इनलेट। सीधी सी बात है, फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन आफ्टर 7 मिनट, सी इज ऑल्सो ओपन। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, ए और बी को ओपन किया, किसे ओपन किया, ए और बी को, और आफ्टर 7 मिनट यानी 7 मिनट बाद हमने क्या किया, सी को ओपन किया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि शुरू के 7 मिनट में किसने वर्क किया, केवल ए और बी ने वर्क किया, सी ने वर्क नहीं किया। यानी सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 7 मिनट के अंदर ए और बी ने मिलकर कितना पार्ट टैंक का फिल कर दिया, ठीक है। अब 7 मिनट के बाद जितना टैंक फिल हुआ वो तो हो गया आपका ए और बी की वजह से, ठीक है, उसमें सी का कुछ भी हम नहीं लेंगे। अब आगे दिया है सी इज ऑल्सो ओपन, सी कब ओपन किया हमने, 7 मिनट बाद। 7 मिनट बाद क्या होगा, 7 मिनट बाद आपका ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और आपका सी भी काम करेगा, ठीक है। आगे से ने क्या कहा, इन हाउ मच टाइम द टैंक इज फुल, कितने समय में आपका टैंक फुल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं शुरू के 7 मिनट की बात करूंगा, तो शुरू के 7 मिनट में क्या आएगा, देखो पार्ट फिल्ड इन 7 मिनट। 7 मिनट में कितना पार्ट फिल्ड होगा आपका भाई, 1 मिनट में कितना होगा, 1/36 प्लस 1/45, यही तो होगा, क्योंकि 7 मिनट में क्या है, ए और बी काम कर रहा है, तो ए का 1 मिनट का कार्य कितना हो गया, 1/36, और बी का 1 मिनट में कितना पार्ट फिल करेगा, 1/45। हम बात कर रहे हैं 7 मिनट की, तो 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इसे सोल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 180 आपका, तो ये आ जाएगा आपका 7/20 सोल्व करके, इसे सोल्व कर लेंगे आप और 7/20 आपका आ जाएगा। इसके बाद यानी शुरू के 7 मिनट में आपके टैंक का इतना पार्ट भर चुका, ठीक है। अब खाली कितना रहा, यानी रिमेनिंग पार्ट टैंक का कितना रहा, अब उसकी बात करेंगे कि रिमेनिंग पार्ट हमारा कितना है। तो रिमेनिंग पार्ट निकालने के हमने क्या किया, 1 में से माइनस कर देंगे फील वाले पार्ट को, जितना हमारा पार्ट फील हो चुका, तो यह आ जाएगा 13/20, यानी इतना पार्ट आपका क्या है, अभी बचा हुआ है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इतने पार्ट को भरने के लिए ए बी और सी तीनों को कितना टाइम लग रहा है टैंक को भरने में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो नेट पार्ट फील्ड इन 1 मिनट बाय ए बी एंड सी, जब तीनों काम कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपका, 1/36 प्लस के 1/45 और माइनस के 1/30। कैसे आया भाई, 1/36 क्या है, ए कितना काम करेगा 1 मिनट में, 1/36, बी आपका कितने पार्ट को फिल करेगा, 1/45 को, और सी कितने पार्ट को खाली करेगा, 1/30 को, तो ये माइनस कर दिया हमने, सोल्व कर लेंगे इसे, एलसीएम ले लेंगे कितना, 180 एलसीएम आएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ये 1/60 आ जाएगा, ठीक है भाई, तो 1/60 आ गया आपका। अब इसके बाद यानी 1 मिनट के अंदर आपका कितना पार्ट भर रहा है, आपका पार्ट भर रहा है 1/60, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, 1/60 पार्ट फील्ड कितने मिनट में फील्ड हो रहा है, 1 मिनट में, ठीक। तो 1 पार्ट कितने टाइम में फील्ड होगा, 1 पार्ट फील्ड होगा आपका 1/60 यानी 60 मिनट में, और आपको कितना पार्ट फील्ड करना है, आपको करना है 13/20 पार्ट, तो 13/20 पार्ट कितने टाइम में फील्ड होगा, 13/20 पार्ट फील्ड इज इक्वल टू कितना जाएगा, 13 16 इंटू
सिक्सटी इंटू 13/20, 20 से 60 को कैंसिल किया कितना है 3, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 13 में, तो आ जाएगा 39 मिनट्स। यानी ए बी और सी को कितना टाइम लगेगा टैंक को भरने में 39 मिनट, और 7 मिनट आपने पहले चलाया, 7 मिनट में कौन कौन किसने किसने काम किया ए और बी ने, तो टोटल टाइम आपका कितना हो गया, आपका टोटल टाइम आ जाएगा 7 मिनट प्लस 39 मिनट, यानी यह या आ जाएगा आपका 46 मिनट आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब अगले एग्जांपल की बात करेंगे, तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, देखिए टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट एंड 32 मिनट रेस्पेक्टिवली। दो पाइप है आपके ए और बी, जो कितने टाइम में फिल कर रहे हैं टैंक को, 24 मिनट में और 32 मिनट में। ठीक है, इफ बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, यानी दोनों पाइप को मैंने एक साथ खोल दिया, ठीक है, तो आफ्टर हाउ मच टाइम बी शुड बी क्लोज सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट। यानी बी को हम कितने टाइम बाद बंद कर दें जिससे कि आपका टैंक 18 मिनट में भरे। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें नहीं पता कि कितने टाइम में बी को बंद करना है, तो हम मान के चलेंगे कि लेट बी बी क्लोज आफ्टर एक्स मिनट, हमने मान लिया कि एक्स मिनट के बाद हमने बी को बंद कर दिया। ठीक है नहीं, तो एक्स मिनट तक किस किसने काम किया, एक्स मिनट तक आपको किस किसने काम किया, ये काम किया आपने, आपके ए ने और आपके बी ने, ये तो आएगा एक्स मिनट तक किसने काम किया आपके ए ने और बी ने, तो ए का एक मिनट का काम कितना हो गया 1/24, बी का एक मिनट का काम कितना हो गया 1/32, ये तो एक मिनट का वर्क हो गया इनका, एक्स मिनट का कितना वर्क हो गया, एक्स की मल्टीप्लाई कर दी। अब आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा कितना टाइम बचा, एक्स मिनट तो आपके लग गए हैं, टोटल मिनट कितने हैं 18, तो टाइम कितना बचा आपका 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स में कौन सा पोर्शन काम करेगा, कौन सा पाइप काम करेगा, बी तो आपने बंद कर दिया, ए पाइप बचा आपका, तो ए का एक मिनट का काम कितना है 1/24। ठीक है, तो ये टोटल कार्य कितना है 1, ठीक है नहीं, फिर टोटल ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन आएगा तो 1, यानी ये दोनों मिलके काम को कंप्लीट कर रहे हैं, टैंक को फुल कर रहे हैं, इतना आ गया यहाँ से। अब यहाँ से मुझे सोल्व कर लेंगे, एक्स इंटू यहाँ से मैंने क्या ले लिया 96 ले लिया हमने एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 4 + 3, और ये कितना आ जाएगा 18 - x / 24 = 1। ठीक है, अब यह आ जाएगा ऊपर 7x, यहाँ 96 एलसीएम ले लेंगे दोनों में, तो प्लस क्या आ जाएगा यहाँ, यह आ जाएगा आपका 54 - 3x = 1। यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x + 54 = 96। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी 8 मिनट्स। यानी x ही आपको निकालना था, आपको क्या निकालना था कि b को कितने टाइम बाद बंद करना है, तो आपने यह माना था लेट बी बी क्लोज आफ्टर एक्स मिनट, कि बी को हमने एक्स मिनट बाद बंद कर दिया। ठीक है नहीं, तो आपका क्या आ गया यहाँ से, बी की टाइमिंग आ गई कि बी को हमने कितने टाइम बाद बंद किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं, आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 4 आवर। ठीक है, दो पाइप है ए और बी, जो किसी सिस्टर्न को भरने में कितना टाइम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 4 घंटे दोनों मिलकर। ठीक हैड दे बीन ओपन सेपरेटली, जब हम इन्हें अलग अलग ओपन करते हैं देन बी वुड हैव 6 आवर मोर देन ए। तो आपका जो बी पाइप है, ये बी पाइप है, ये ए से कितना लेगा, 6 घंटे अधिक लेगा। ठीक है, तो हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई, हमें किसका टाइम निकालना है, ए का, कि ए कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो मैंने यहां क्या मान लिया, मैंने मान लिया यहां सॉल्यूशन में लेट पाइप ए टेकन एक्स आवर, मैंने मान लिया कि हमारा जो पाइप है वो कितना टाइम ले रहा है, एक्स आवर ले रहा है, तो पाइप बी कितना टाइम लेगा बताओ, पाइप बी कितना टाइम लेगा। अब देखिए आप यहां, आपका पाइप बी जो है ये क्या है, पाइप बी वुड हैव 6 आवर मोर, ए से 6 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो बी कितना लेगा भाई, एक्स प्लस 6 आवर, सीधी सी बात है, ये एक्स लेगा तो वो एक्स प्लस 6 लेगा। ठीक है, अब ये दोनों पाइप मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं, ले रहे हैं 4 आवर। ठीक है, यानी ए का 1 आवर का
वर्क प्लस बी का 1 आवर का वर्क इज इक्वल टू दोनों का जो कंबाइन है उसका 1 आवर का वर्क कितना जाएगा 1/4। यानी ए ने इतना पार्ट फिल किया 1 आवर में, बी ने इतना पार्ट फिल किया 1 आवर में, और दोनों ने मिलकर कितना पार्ट फिल किया 1/4। यहां से सोल्व करेंगे सर, ये लेंगे हम यहां से एलसीएम x इंटू एक्स प्लस सिक्स, ऊपर क्या आ जाएगा x प्लस सिक्स प्लस x इजिकल टू 1/4। इसे सोल्व करेंगे यहां से आ जाएगा 4 इंटू 2x प्लस सिक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 6x। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को आ जाएगा 8x प्लस 24 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और यहां से क्वेश्चन बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 24 इजिकल टू 0। ठीक है, इसके यहां पर फैक्टर करेंगे आपके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 4 इजिकल टू 0। तो यहां से आपकी x की दो वैल्यू आई, एक 6 और एक माइनस के 4। माइनस 4 तो आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी माइनस 4, क्योंकि टाइम निगेटिव में नहीं होता, टाइम होगा पॉजिटिव में। तो आपकी x की वैल्यू आ गई। आपको किसका टाइम निकालना था कि a कितना टाइम लेगा टैंक को भरने में, तो ये किसकी वैल्यू है, पाइप ए टेकन एक्स आवर। हमने क्या माना था कि पाइप ए एक्स आवर लेता है, और एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अगर वो पूछता कि बी कितना टाइम लेता है तब आपका ये आंसर ना होता, क्योंकि पाइप बी लेता है एक्स प्लस 6। एक्स प्लस 6 का मतलब क्या आ जाएगा, तो वो आ जाता 6 प्लस 6 इजिकल टू 12। तो ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, ये नहीं कि हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी तो आंसर आ गया। अगर वो बी का टाइम पूछता तो आपका आंसर होता एक्स प्लस 6। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देखिए, वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 times एज फास्ट एज अनदर पाइप। यानी एक पाइप है आपका जो टैंक को कितने टाइम में भर रहा है, 3 गुना ज्यादा तेजी से भर रहा है एज कंपेयर टू अदर पाइप। ठीक है, इफ टूगेदर द टू पाइप, अगर दोनों पाइप एक साथ काम करेंगे तो वो कितने मिनट में भर रहे हैं टैंक को, 36 मिनट में। ठीक है, तो देन द स्लोअर पाइप एलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक। यानी जो स्लोअर पाइप है जो टैंक को देरी से भर रहा है वो कितना समय लेगा टैंक को भरने में। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने लेट द स्लोअर पाइप टेक एक्स आवर, एक्स मिनट, सॉरी मिनट की बात कर रहे हैं तो मिनट ही लेंगे हम। हमने क्या लिया कि आपका जो स्लोअर पाइप है वो कितना टाइम ले रहा है, वो ले रहा है आपके एक्स मिनट। ठीक है, तो आपका फास्टर पाइप कितना टाइम लेगा, फास्टर पाइप विल बी टेकन। अब आपको पता है जो फास्टर पाइप है हमारा वो कितना काम कर रहा है, वो 3 गुना जल्दी काम कर रहा है। 3 गुना जल्दी मतलब वो इसे 3 गुना जल्दी भर देगा। 3 गुना से मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बाई 3 मिनट। 3 टाइम फास्टर का मतलब क्या होगा, x बाई 3 आ जाएगा। ये 3x नहीं होगा, अगर हमने 3x कर दी तो क्या होगा, इसका मतलब ये वाला जो फास्टर पाइप है ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, नहीं तो 3 टाइम फास्टर का मतलब ये नहीं है कि उसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब यह है कि ये तेज काम कर रहा है तो ये टाइम कम लेगा, कम लेगा तो हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ 3x कर देंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसने क्या कहा कि जब ये दोनों पाइप मिलकर काम करते हैं तो उन्हें कितने मिनट लगती है, 36 मिनट लगती है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/x विद स्लोअर पाइप का 1 मिनट का वर्क, यानी 1 मिनट में कितने पार्ट को फिल करेगा, और जो फास्टर पाइप है वो कितना फिल करेगा, 1/x/3 इजिकल टू कितना जाएगा, 1/36। यानी यहां से आएगा आपको 1/x प्लस के 3/x इजिकल टू 1/36। ये आ गया भैया आपको, अब यहां से सोल्व करो भाई, से सोल्व करेंगे तो 1/4 1/3 कितना हो गया 4, यानी 4/x इजिकल टू 1/36। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी 144 मिनट। ठीक है, पूछा क्या था इसने यही पूछा था कि स्लोवर पाइप कितना टाइम लेगा टैंक को भरने में। हमने क्या माना था कि स्लोवर पाइप आपका x मिनट लेगा। ठीक है, नहीं तो स्लोवर पाइप ने x मिनट लिए तो फास्टर पाइप क्या करेगा, वो जल्दी भरेगा। तो 3 से डिवाइड किया मैंने तो x बाई 3 मिनट आ गया था। अब a का 1 मिनट का कार्य है प्लस b का 1 मिनट का कार्य है, वो किसके इक्वल होगा, दोनों के जब कंबाइंड करके हमने चलाया तब उसका जो टाइम आ रहा था उसका 1 मिनट का कार्य आ गया। तो 1/x प्लस के 3/x इजिकल टू 1/36 और आपकी x की वैल्यू आ गई 144 मिनट। तो इस तरह से हम किसी भी तरह के क्वेश्चन पाइप और सिस्टम में कर सकते हैं, और कुछ इसके एग्जाम्पल जो है वो हम आपको
नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। और हमारे लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।